दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ओपन कर ही लिया तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप तीन ऐसी गलतियां करते हो जिससे कि आप अपनी ऑडियंस तक अपने वीडियो को नहीं पहुंचा पाते। आप हाल ही में वीडियो अपलोड कर देते हो और आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हो या फिर फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे, इससे आपको एक्सटर्नल व्यूज मिल जाते हैं लेकिन आपको अपनी जो ऑडियंस होती है वो नहीं मिल पाती। आप तीन गलतियां कौन सी करते हो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तीसरी जो गलती आप करते हो गाइस, वो सबसे मेजर गलती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप पहली गलती जो है वो क्या करते हो, कि आप पहली गलती को क्या कवर नहीं करते हो जिससे कि आपकी ऑडियंस तक आपकी वीडियो नहीं पहुंच पाती और आपका चैनल जल्दी ग्रो नहीं कर पाता। सो गाइस, सबसे पहली गलती आप करते हो कि ट्रेंडिंग टॉपिक को आप कवर ही नहीं करते। यूट्यूब पे हर दिन ट्रेंडिंग टॉपिक चलते रहते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स ट्रेंडिंग टॉपिक पे अपने हिसाब से वीडियोस बना डालते हैं। तो काफी लोग क्या करते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक देख लिया, जैसे विनोद चला था तो विनोद को कवर करने के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई थी, तो वो भी अपने अपने स्टाइल में, जैसे कि टेक कैटेगरी में अपने स्टाइल से बनाया गया था कि विनोद जब कमेंट में चल रहा था बहुत सारी वीडियोस बनी थी, आप जाके सर्च भी कर सकते हो। और एक बार डांस वायरल हुआ था तो भाई डांस को भी टेक क्रिएटर्स ने कवर किया था लेकिन अपने हिसाब से। अब आप दिमाग लगा के देखिए आपकी कौन सी कैटेगरी है। अगर अब आपका कोई चैनल है रसोई से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड है, तो भाई आप उसे कैसे कवर कर सकते हो। अगर आप उसे कवर नहीं करोगे तो ट्रेंडिंग टॉपिक आप मिस कर दोगे, जिसमें आप कीवर्ड यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपकी वीडियो में कीवर्ड यूज होगा जिस पर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये चीज वायरल क्यों हो रही है, तो उसी हिसाब से अगर आप वो कीवर्ड यूज ही नहीं करोगे तो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक कवर ही नहीं होगा। लेकिन आपको सीधा सीधा वो नहीं कर देना कि अगर आपकी रसोई की वीडियो है तो आपने डांस करके वीडियो डाल दी, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने कंटेंट के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसको कवर करना है। ये सोचना आपको है कि आप कैसे कवर कर सकते हो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की, सर्चेबल कंटेंट की। गाइस, आप सभी को पता होगा यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी वीडियोस देख रहे हो, सपोज आप गेमिंग की वीडियो देखते हो, तो यूट्यूब को पता लगता है कि आप गेमिंग में इंटरेस्ट हो, तो आपका जो ब्राउजर फीचर होगा वो सारा गेमिंग से ही भरा होगा। अगर आप सॉन्ग सुनने में हो तो आपका सारा ब्राउजर फीचर सॉन्ग में ही होगा, यूट्यूब इससे डिवाइड करता है। तो गाइस, अब आपको क्या करना है कि अगर आप टैग कैटेगरी में हो या किसी भी कैटेगरी में हो, तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि आपको सर्चेबल कंटेंट कैसे फाइंड करना है। पहले आपको देखना है कि ऑडियंस किसके पीछे भाग रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि टैग कैटेगरी में सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम और व्यूज, ये तीनों चीजें सर्चेबल कंटेंट है। अगर इन तीनों कंटेंट पे दोबारा 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 वीडियोस बनाओगे तो यूट्यूब आपकी वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑडियंस तक लेके जाएगा। और काफी लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमारे खुद के नया चैनल है, 10-20 सब्सक्राइबर है या फिर 50 सब्सक्राइबर है, तो हम अगर वीडियो बनाएंगे व्यूज कैसे बढ़ाए, तो भाई हमारे खुद के व्यूज नहीं आते तो नीचे कॉमेंट आ जाता है। तो गाइस, मैं आपको पहले बताता हूं, ऐसे लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, आपको उनकी परवाह नहीं करनी है, बाद में वही आपको कहेंगे कि भाई हम आपसे हेल्प चाहते हैं, आप हमें ग्रो करने की टिप्स दीजिए। अगर आप एक बार चलना स्टार्ट करोगे, सर्चेबल कंटेंट पे ध्यान दोगे, आपको किसी और पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्चेबल कंटेंट पे ध्यान देना है। उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो आज नहीं तो कल YouTube के एल्गोरिथम में जाएगी और आपकी वीडियो को YouTube काफी लोगों तक पहुंचा देगा। उसके बाद आपके पास बहुत सारी ऑडियंस आ जाएगी और आपका चैनल ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं तीसरी गलती की। जो लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि भाई शॉर्ट वीडियोस नहीं अपलोड करनी। मैंने भी काफी बारी आपको कहा है कि शॉर्ट वीडियोस अपलोड नहीं करनी, लेकिन आपने मेरी वीडियो पूरी तरह से नहीं देखी है। गाइस, मैं आपको ये कहता हूं कि शॉर्ट वीडियोस बनाओ, लेकिन जैसे कि आपने सेम पहली गलती की थी, जैसे कि ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या करना है, आपको शॉर्ट वीडियोस बनाना है लेकिन आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से बनाना है, अपने कंटेंट के हिसाब से बनाना है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से बनाना है। अगर आप अच्छा शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर लेते हो तो गाइस वहां से भी आपकी ऑडियंस आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने शॉर्ट वीडियोस एक वीडियोस डाल दी तो उसके बाद और भी वीडियोस डाल रहे हो तो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके उनके ब्राउजर फीचर में आपकी वीडियो चली जाएगी। कभी भी आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करोगे तो भाई वहां पे आपकी वीडियो नजर आएगी तो वो आपकी वीडियो को प्ले करेगा। बहुत सारे चैनल आपको ऐसे मिल जाएंगे
जहां पे आपने सब्सक्राइब किया होगा शॉर्ट वीडियोस को देख के, लेकिन उनकी लॉन्ग वीडियोस भी आप अब देख रहे होंगे। तो गाइस अगर आप तीनों गलतियां ये नहीं करोगे तो आपके पास बहुत अच्छी ऑडियंस मिल सकती है, आपके चैनल को ग्रो करने में आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। आई होप कि आपको समझ लग चुका होगा कि आपको अपनी तीन गलतियां जल्द से जल्द सुधार लेनी है। गाइस अगर आप ये नहीं सुधारोगे तो भाई आपके चैनल पे कभी भी व्यूज नहीं आएंगे, आपकी ऑडियंस आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद।